हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति, जो अभी रेडी हो रही हूँ इवेंट के लिए, अवार्ड सोशल मीडिया अवार्ड्स के लिए। तो थोड़ा सा मेकअप तो बनता है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था। एंड बहुत लोगों ने मुझे बोला कि जो आपकी शीन की जो ये लेटेस्ट वाली ड्रेस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, आप किसी अवार्ड फंक्शन में या किसी में पहन के जाइए, अच्छा लगेगा। तो मेरे को भी कोई दूसरा थॉट नहीं आया, अभी सामने ये दिख रही थी तो मैंने ये वाला पहन लिया। एंड जो भी मेकअप कर रही हूँ मैं, उनके लिंक्स जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। तो मैंने पहले कलरबार का प्राइमर लगाया, उसके बाद NY Bae का जो है सीसी क्रीम लगाया, एंड थोड़ा सा जो है LA Girl का जो क्या बोलते हैं कलर करेक्टर है वो उसको लगाया। एंड अभी आईब्रो शेप कर रही हूँ मैं, और उसके पास पूली से जो भी एक्सेस होता है उसको निकाल दे रही हूँ। एंड काजल जो है आँख लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन में, और उसी के बाद उसी से मैं जो है थोड़ा सा मोटा सा आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि ये पूरी रेड कलर की ड्रेस है। इसके ऊपर जैसे पिछली बार मेरा जो ड्रेस था जब मैं मिसेस इंडिया के लिए गई थी तब तो मैंने ब्लू कलर का लगाया था, लेकिन इसमें इसलिए मैंने ब्लैक लगाया क्योंकि बाकी कुछ और कलर इतना अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने शुगर का जो है लिक्विड लिपस्टिक लगा लिया है, एंड अभी फेसेस का मस्कारा, एंड लास्ट में फेसेस का सेटिंग स्प्रे ताकि टिका रहे मेकअप। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अवार्ड्स के लिए जा रही हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, एंड ऑन द स्पॉट मैं क्या पहनूँ मैं डिसाइड नहीं कर पाई, तो मुझे ये सामने दिखा तो मैंने यही पहन लिया। एंड दीज आर द ईयरिंग्स विच आई शोड यू बिफोर, मैंने जो रोज़ गर्ल से मंगाए थे, तो मैं जब काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैंने ये पहन लिया। एंड बच्चे भी रेडी है, अभिषेक दे रहा अभी ठीक हो गया इसलिए दूध पी रहा है, एंड मेरे पतिदेव यहाँ पे ना से हाय ट्रेन ट्रैक। तो अभी हम जा रहे हैं KL यूनिवर्सिटी, और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन आ रहा है। एंड बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। ऑलरेडी आपने कुछ दिन पहले ही इसको ड्रेस को देखा है, लेकिन पूरा रेडी होने के बाद आना थोड़ा सा अलग होता है ना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने मेकअप कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, रेगुलर वाला ही किया है, क्योंकि कैसे भी इतनी गर्मी में इतना देर टिकने वाला भी नहीं है, पोज पोज के वैसे ही निकलने वाला है। हाँ जगन, ये देखो ये इतना छोटू सा है लेकिन जगन जगन बोलता रहता है, जहाँ पे भी जगन की फोटो दिखती है बोलते हैं ओ जगन अन्ना जगन अन्ना करता रहता है ये देखो जगन की फोटो दिखा रहा है, वो सामने बैनर पे लगी हुई है जगन अन्ना जगन अन्ना। तो चलिए अभी लोकेशन में जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं, एंड जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक शूट करूँगी। चलिए फिर। सो अभी हम कृष्णा बैरेज पे पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह का क्लाइमेट भी अच्छा था, एंड जो है अभी हम लोग KL यूनिवर्सिटी के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको जो हमारे अभी आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट CM है उनका घर। तो ये है उनका घर जो काफ़ी आलीशान है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस इसमें बन सकते, इतना बड़ा है ये, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम पहुंच चुके हैं अभी KL यूनिवर्सिटी, और पार्किंग जो है बहुत दूर करके अंदर R&D डिपार्टमेंट का जो ऑडिटोरियम है उधर जाना था KL यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अभी हम चलते हुए जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द वे। तो बहुत दूर चले हम लोग, एक्चुअली पता नहीं इतनी दूर क्यों चलवाया हमें, कार का रास्ता है सब कुछ, लेकिन मे भी होते होंगे ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उनके। तो फिर हम काफ़ी दूर जो है चल के गए, एंड उसके बाद जो जो मिलता रहेगा मैं उन सब से आपको मिलवाती रहूँगी। तो ये भी अंदर आके बैठ चुके हैं, एंड वन बैड न्यूज़ इज़ दिस की जैसे ही मैं गाड़ी से उतर रही थी मेरे हाथ से फ़ोन गिरा, और मेरे फ़ोन का जो है स्क्रीन टूट गया, कांच का असली वाला टूट गया है। अब मैं क्या करूँ। लेट्स मीट पीपल नाउ। Hi, so she is Sirisha, my Telugu channel from Telugu channel. So अभी आपको धीरे धीरे जो है सब लोगों से जो भी मेरे नज़र के सामने आता है सबको आपको इंट्रोड्यूस करते रहूँगी मैं। सो ये अभी फर्स्ट कैंडिडेट है जिनसे मैं मिली हूँ। Hi, this is Neel Yuma and my channel name is Cool by Neel Telugu channel. Please subscribe. Please subscribe. So कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं जानती, लेकिन आपके बाद से जानूंगी पक्का, और उनके चैनल को भी वॉच करूँगी। Your name? Hi, this is Suchitra. I have a regional language channel, Suchitra Vlogs. Okay. Everybody will grow one or the other day, yes. Right? So there is no YouTuber, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है, right? That's why we are meeting here, है ना? So अभी अवॉर्डी का ये जो टैग है वो मिल चुका है हमको, एंड अभी बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से तो सबको आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ना चीफ गेस्ट आई मीन जो गेस्ट है वो भी नहीं आए हैं और जो अवॉर्डीज़ है वो भी नहीं आए, थोड़े बहुत ही आए हैं जितना अभी तक मैंने आपको दिखाया है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ केएल यूनिवर्सिटी का एक मेस टाइप है उसमें आ गए हैं, तो ब्रेकफास्ट लंच सभी यहीं होने वाला है क्योंकि इसके आजू बाजू भी कोई होटल्स नहीं है। तो हम लोगों ने जो है नाश्ता कर लिया, वो सब मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने तो बुरी तरह हमने जो है बहा दिए हैं। और यहाँ पर इसके अंदर जो है फिशेस थी बड़ी बड़ी। एंड ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी हम चाय की चुस्की ले रहे हैं। सो शी इज़ माई क्यूट सब्सक्राइबर जिनकी तबीयत ठीक नहीं है बट स्टिल शी केम टू मीट मी। सो ऐसे इतने अच्छे अच्छे हमारे साथ जो है बॉन्ड बन जाते हैं लोगों के कि शायद कहीं से भी उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता होगा। तो योर नेम। तो हम फिर से ऑडिटोरियम में बार बार अंदर बाहर आ ही रहे थे क्योंकि बहुत पहले आ गए थे, टाइम बहुत ही पंक्चुअल हुए ना हम लोग, तो इसलिए बहुत टाइम पे आ गए थे। लेकिन प्रोग्राम जो है 2-3 घंटे बाद स्टार्ट हुआ क्योंकि चीफ गेस्ट भी नहीं आए थे इसलिए। तो अभी जो है ऑडिटोरियम देखिए भर गया है, पहले तो खाली खाली था, अभी सब लोग आ चुके हैं। तो मैं आपको एक एक करके जो है सारे यूट्यूबर से मिला रही हूँ। तो आप बारी आ चुकी है इनकी। शी इज़ मधु, इनका तेलुगु चैनल है, मधु तेलुगु चैनल का था, मधु तेलुगु अम्माई है इनका चैनल का नाम। तो अभी इवेंट में धीरे धीरे मैक्सिमम सारे लोग आ चुके हैं, ओनली चीफ गेस्ट नहीं आए, अपना अपना अवार्ड लेके हम लोग भाग जाएंगे। सो इट्स यू नो प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ देम। अभी कितने सारे लोग मिल रहे हैं हमको पता भी नहीं था कि कौन कौन मिलने वाले हैं, तो देख के हम लोग चौंक रहे हैं, अच्छा आप भी आए हो करके ये वाला रिएक्शन था। सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग, अभी आगे बहुत कुछ स्पेशल बहुत कुछ होने वाला है जो हमको भी नहीं मालूम है। सो सरप्राइज हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, तो स्टे ट्यून्ड। तो एक और प्रवेश कर चुके हैं हमारे ब्लॉग में, शी इज़ हारिका, हेलो हैप्पी होम। सो इनका भी तेलुगु चैनल है। सो क्योंकि ये विजयवाड़ा में हो रहा है तो लोकल जो लोग हैं जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से बिलोंग करते हैं वो भी ज़्यादा है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था पौंडीचेरी मतलब सदर्न रीजन से काफ़ी सारे लोग आए। थैंक यू सो मच, बाय। तो अभी यहाँ पे डांस करने के लिए बच्चे जो है स्टेज पे जाने वाले बच्चे और थोड़े बड़े बच्चे सारे टाइप के बच्चे थे, छोटे बड़े, और यहाँ पे खड़े हुए थे। एंड ये देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया अवार्ड्स करके लिखा हुआ है। एंड कुछ कुछ इतने क्यूट बच्चे थे कि लग रहा था उनको काट लो, पप्पी देखिए काट लो, इतने इतने क्यूट बच्चे थे। एंड अभी देखिए ऑडिटोरियम पहले से और भी ज़्यादा भर चुका है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज शनोस मीडिया and sponsored by Shreyas Media, Milkshake and Co. Welcome to you all once again for this grand celebration. Promise you guys, the next few hours is going to be most memorable moments in your lives. Now, I request all the intellectual dignitaries to participate in the Jyoti Prajwalana. So, यहाँ पे ज्योति जलाने के बाद मतलब जो कैंडल लिट करते हैं उसके बाद जो है प्रोग्राम शुरू हो रहा था। तो अभी काफ़ी सारे जो डिग्नेटरीज है वो आके सीट ग्रहण कर रहे थे और इसके बाद जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। तो देखिए कितने सारे लोग हैं एंड ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अपने सोशल वर्क से, या कोई डॉक्टर है, कोई टेक्निकल साइड से है, मतलब ऐसा नहीं कि उन सबके चैनल्स है बट समहाउ दे इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे ये है स्मार्ट तेलुगु हाउसवाइफ की और उनके साइड में जो बैठी हैं वो सब्सक्राइबर मिलने के लिए आई थी मुझसे एंड बाकी लोगों से भी। They train various kinds of modules such as creative mind power, memory miracles, money attraction. So, अभी जो आपने विजुअल्स देखे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, प्लस अलग से वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके भी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, कहीं सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़ चैनल्स में, हर जगह सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके मोटिवेशनल जो है स्पीचेस रहते हैं। Thank you, sir. From TechLogic. Please give a big round of applause. So यहाँ पे अभी मैं अवार्ड ले रही हूँ, आपकी स्वाति यहाँ पे ले रही है. So I am feeling very proud on this particular moment. Don't have words right now. तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था, क्योंकि पता तो था नहीं कि किसका नाम कब अनाउंस होने वाला है, तो अनाउंस होने के बाद जब उसके बाद वीडियो निकाला, थोड़ा सा मेरे बेटे ने, थोड़ा सा मेरे पतिदेव ने, इन सब ने ऐसे मिक्स एंड मैच करके निकाल दिया. एंड अवार्ड लेने के बाद जो है हम वापस घर के लिए रवाना हो गए. एंड ये बाहर रेत में जो है बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही बढ़िया आर्ट है इनकी, जो रेत के साथ जो है पूरा इस पे एक आर्ट बना रहे हैं, जहाँ पे KL यूनिवर्सिटी, जिज्ञासा एंड सोशल मीडिया अवार्ड्स के बारे में इन्होंने थोड़ा डेकोरेट किया है. तो पूरा कंप्लीट नहीं है वो, मे बी कल तक हो जाएगा, लेकिन कल के इवेंट में तो हम नहीं जाएंगे. जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ वी कैन स्किप. तो अभी हम फिर से कृष्णा नदी के पास आ चुके हैं एंड शाम का व्यूज़ कितना मतलब ब्यूटीफुल है. सो चलिए अभी मिलते हैं आपसे. हेलो फ्रेंड्स, तो अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है, अवार्ड भी मैंने ले लिया है एंड सब लोग बुरी तरह थके हुए हैं. पीछे आदित्य भी लेट गया है, उसकी हालत भी ख़राब है. सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि सुबह हम लोग 9 बजे हाँ पैरदाम तो सब लोग बहुत बुरी तरह थक गए हैं. अवार्ड मैं आपको घर जाने के बाद जो है फुर्सत से दिखाऊँगी, थोड़ा मतलब थोड़ा फ्री होने के बाद. सुबह से एक चाय भी नहीं पी है मैंने, मतलब बीच में खाया तो था लेकिन चाय नहीं पी. एंड ऑडिटोरियम में जो भी म्यूज़िक चला था उसका साउंड बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से जो है सर में दर्द शुरू हो चुका है मेरा. एंड मुझे अभी चाय पक्का पीनी है वरना और ज़्यादा हो जाएगा. सो चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से. तो घर आने के बाद मैंने ड्रेस व्रेस चेंज करके पूरा मेकअप वेकअप साफ़ सूफ करके मतलब मुँह हाथ धो लिया और उसके बाद चाय पी ली. एंड अभी वीडियो भी एंड करना है, तो मैंने जैसे बोला था आपको, मैं अपना जो अवार्ड है उसके साथ सर्टिफिकेट भी एक मिला है, वो भी आपको दिखा दूँगी. और बच्चों को खाना भी खिलाना है इसके बाद. तो वहाँ पे जाने के बाद एक्सपीरियंस इट वाज वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स एक ही जगह पे, इतने सारे यूट्यूबर्स, बहुत रेयर सिचुएशन होती है जब मिलते हैं. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इतने सारे लोग आए थे कि हर किसी के साथ वीडियो लेना है या फ़ोटो लेना भी मुश्किल हो गया था. स्टार्टिंग में जब गए थे तब तो एकदम फ्रेश थे, और टाइम जाते जाते जो हुआ इतना ज़्यादा थक गए कि फ़ोन पकड़ के व्लॉगिंग करने की भी हिम्मत नहीं रही. कुछ नहीं किया, बस मतलब एक टाइम तक किया और उसके बाद जो है बस अपने अवार्ड का शूट किया और हो गया. तो मैक्सिमम जो है बहुत सारे जो थे साउथ इंडियन यूट्यूबर्स थे, नॉर्थ के भी थे, जैसे हरियाणा से भी कुछ लोग आए हुए थे. तो उन सब का शूटिंग तक तो हम रुके नहीं, क्योंकि अवार्ड के बाद तो फिर सेरेमनी सब ख़त्म थी. सारे डांस वहाँ सुबह से जो है क्लासिकल डांस के सारे वैरायटीज़, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, सब कुछ उन लोगों ने दिखा दिया था. एंड लास्ट में सेरेमनी रखा था, क्योंकि कोई भी इवेंट का मोटिव यही रहता है कि सक्सेसफुल तभी रहेगा जब लोग रहेंगे. अगर अवार्ड स्टार्टिंग में दे देंगे तो कोई अवार्ड के लिए, आई मीन बाकी जो भी उनके इवेंट्स है वो देखने के लिए कोई रुकते नहीं है जनरली. तो इसलिए सारे कार्यक्रम होने के बाद में डिग्निटरीज आए, उन्होंने भी अपने अपने स्पीचेस दिए, वो जैसे मैंने बताया आपको वीडियो में पहले, ये सब कुछ चला. एंड लास्ट में जाके अवार्ड्स दिए. तो अवार्ड्स के बीच में भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक था, थोड़े से अवार्ड्स दे रहे थे, फिर कोई डांस या कोई मोटिवेशनल स्पीच हो रहा था, और फिर अवार्ड्स ऐसे ही करके दे रहे थे. क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको अवार्ड देना, जैसे मैंने बताया था कि टिकटॉक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, ट्विटर, वो यूट्यूब, ये सब थे. बैटरी ख़त्म हो रही है फ़ोन की, तो इन सब इधर से लोग थे. तो इसलिए पार्शली जो है एक एक कैटेगरी को ख़त्म करके फिर एक इवेंट रख के कर रहे थे. तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको पहले सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ, आप ये देख लीजिए. तो सोशल मीडिया स्टार ऑब्लिक इन्फ्लुएंसर श्री स्वाति करके लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड इसके ऊपर आप पॉज करके देख लीजिए क्या क्या लिखा है. एंड उसके बाद यूट्यूब के अवार्ड के बाद यूट्यूब पे जो मिला है मुझे अवार्ड, वो है ये देखिए, बहुत ही गाड़ के नाम जो है यहाँ पे गड़ा हुआ है अच्छी तरह. एंड इट मीन्स अ लॉट. सो जब भी कोई अवार्ड मिलता है ना, उसको कितना देर में निहारो ना तो कम लगता है. मेरे को मेरा जो प्ले बटन है उसको मिलके भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ ना, एक मतलब एक एनर्जी सी आती है काम करने के लिए. एंड इन अवार्ड्स की वजह से जो है जो भी कोई काम करता है एक मोटिवेशन मिलता है, एंड अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि कल को आप क्या रखो. तो जैसे कि आप मेरे वीडियो देखते हैं हमेशा, मैं बेशक ब्लॉगिंग भी करूं या कुछ भी करूं, आई ट्राई टू पुट सम हाउ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू, एंड आई विल कीप कंटिन्यूइंग दैट. एंड अब मैं और ज़्यादा मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख के, मतलब कोई ना कोई, बिकॉज लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जैसे बोलते हैं ना, हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी कुछ सीखें। तो लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो हमें सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। यही मेरा जो है क्या बोलते हैं मोटो मान लीजिए या थिंकिंग मान लीजिए। परफेक्शन तो कभी नहीं आता है, सीखते 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 आप सीखते ही रहते हो। परफेक्शनिस्ट किसी को नहीं बोलते। जिस दिन आप समझोगे कि आप परफेक्ट हो, यू विल स्टॉप लर्निंग। तो जब आप परफेक्शनिस्ट नहीं समझोगे, आप बेटर काम करोगे, और जब बेटर काम करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी, माई हस्बैंड इज़ वेरी हैप्पी, एंड मेरे जो बच्चे हैं दोनों, छोटे वाले को तो इतना पता नहीं है इसके बारे में, बड़ा वाला तो वहाँ पे चीख मम्मी क्यों नहीं दे रहे, सुबह से शाम हो गई, कब देंगे कब देंगे कब देंगे। मैं वो पता नहीं अभी वेट करो करके, तो सब वेट किया। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत लोगों से मिले, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड और क्या बताऊँ आपको, बस ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऑडिटोरियम के अंदर जब तक थे तब तक तो ठीक था, अगर बाहर निकल रहे थे तो पसीने तो नॉर्मल है, क्योंकि सर्दी अभी आई नहीं है और यहाँ पे आती भी नहीं है। आती है मतलब एवं नाम वास से आती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों ने ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, थैंक यू तो छोटा सा वर्डों को मैं बोलूँगी, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। आप हैं तो हम हैं, है ना, तो इसलिए थैंक यू सो मच अगेन। फिर भी मैं बोल रही हूँ, फॉर्मेलिटी समझिए या कुछ भी समझिए, पर मेरे तरफ से तो दिल से है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी बिकॉज आई लव यू ऑल। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक चिपकाइएगा ज़रूर, एंड जो भी मैंने पूछा उन सबका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि इन चीज़ों को देख के कोई ना कोई मोटिवेट हो, और मोटिवेशन के थ्रू उनके पास अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों तक पहुँचना बेहतर हो सकता है, तो वो भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को बाहर लेके आए और एंड लोगों में जो है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर पाए। तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, घंटे बजा के उसको काला कर देना। आज के एल के ऑप्शन जो है पहले वाइट आता है, ट्रांसपेरेंट, फिर काला आता है। तो सब्सक्राइब घंटी बजा के। आई विल बी बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम। तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ्स को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558। तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन। तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीज़। ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो डाउनलोड नाउ एंड एन्जॉय योर अर्निंग्स।